नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। पिथौरागढ़ सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के धारचूला के छिरकिल्ला में आज जिलाधिकारी रीना जोशी के निर्देशानुसार जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा धौलीगंगा पावर स्टेशन धारचूला व फरीदाबाद तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एक बृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा कई मरीजों का उपचार कर दवा वितरित की गई। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा जरूरतमंदों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का वितरण भी किया गया। इस दौरान रेडक्रॉस समिति के जिला चेयरमैन महेश चंद पंत ने जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में शिविर लगाने की बात कही। इस अवसर पर सचिव भगवान सिंह ने आयोजन को लेकर सभी का आभार व्यक्त किया। शिविर में NHPC के CMD राजीव कुमार, पावर स्टेशन प्रमुख राजीव जैन, हिमांशु ठकुराटी, राज मेहता, गौरव, डॉक्टर श्वेता कश्यप सहित कई लोग मौजूद थे। पिथौरागढ़ के लक्ष्मण सिंह मेहर स्थानीय महाविद्यालय परिसर के निकट बने आवासों को ध्वस्त करने की तैयारी प्रशासन द्वारा की जा चुकी है, जिसको लेकर आवासों में आज नोटिस चस्पा कर दिए गए। प्रशासन द्वारा आवासों को ध्वस्त करने की कार्रवाई के चलते यहां हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सरकारी भूमि से सभी अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण पाए जाने पर जिलाधिकारी के आदेशानुसार उपजिलाधिकारी अनुराग आर के निर्देश में महाविद्यालय के निकट नोटिस चस्पा कर आवास को खाली करने की अंतिम तिथि बीते दिवस तक निर्धारित थी। निर्धारित तिथि पर आवास खाली न होने पर रविवार को प्रशासन ने चिन्हित किए गए आवासों को ध्वस्त करने का निर्णय लिया है। इन आवासों में उच्च शिक्षा निदेशक, प्राचार्य और शिक्षक निवास करते हैं। SDM अनुराग आर्य ने बताया कि ये सभी आवास सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बने हैं। बताया कि शनिवार रात्रि तक भवनों से सामान न हटाए जाने पर रविवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के चलते हड़कंप मचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा नाथूराम गोडसे को लेकर दिए गए बयान पर कनाली सीना में कांग्रेसियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे निंदनीय बताया। ब्लॉक अध्यक्ष हेम पांडे ने पूर्व CM द्वारा दिए गए बयान को अपमान बताते हुए माफ़ी मांगे जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि देखिए, आज जिस प्रकार उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को राष्ट्रभक्त बताया, वह जिसकी उसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए उतनी कम है। देश की सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ देश का भी उन्होंने अपमान किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को इस देश से समस्त देशवासियों से अविलंब माफ़ी मांगनी चाहिए। पिथौरागढ़ के झूलाघाट मोटर मार्ग में भीड़ के निकट आज जाम के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान दर्जनों वाहनों की सड़क पर लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने पर पहुंची यातायात पुलिस ने बमुश्किल जाम खुलवाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बीते दिनों बनाई गई व्यवस्था के चलते जाम नहीं लग रहा था, पर एक दो दिनों से फिर से जाम की स्थिति बन रही है। उन्होंने समस्या के निस्तारण की शीघ्र मांग की है। पिथौरागढ़ के चंडाक क्षेत्र में आज एक व्यक्ति गुलदार के हमले में बाल बाल अपनी सूझबूझ से बच गया। थोड़ी सी चूक होने पर बड़ा हादसा हो सकता था। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह हिमपानी में चल रहे पेयजल लाइन के कार्य को देखने के लिए राजेंद्र सिंह वल्दी अपने वाहन से जा रहे थे। इस दौरान अचानक एक गुलदार सामने आ गया, जिसे देख व्यक्ति घबरा गया और हिम्मत रखते हुए वाहन को तेज भगाने का प्रयास किया। इस दौरान गुलदार के पंजे से व्यक्ति के पैर में चोट आ गई। वाहन तेज चलाने से व्यक्ति बाल बाल बच गया। बर सरपंच लक्ष्मण कुमार ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। साथ ही पुनेड़ी सभासद ललित पुनेड़ा द्वारा भी विभाग को सूचना दी गई। सूचना पर वन विभाग की टीम वन क्षेत्राधिकारी पूरन सिंह देवुआ की अगुवाई में स्थल पर पहुंची और लोगों से सतर्क रहने की अपील की। वन विभाग की टीम में ब्रजेश विश्वकर्मा, विमला बोनाल, गायत्री बिष्ट, योगेश चंद पांडे शामिल थे। इधर पुनेड़ी वार्ड सभासद ललित पुनेड़ा ने भी क्षेत्र में गुलदार दिखाई देने की बात कही है। हालांकि उन्होंने कहा कि गुलदार गाँव के अंदर नहीं आया, पर खतरा बना हुआ है। उन्होंने वन विभाग से उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। चंडाक व पुनेड़ी क्षेत्र में गुलदार दिखाई देने से लोगों में दहशत व्याप्त है। सौतेली नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम सहित संबंधित विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पिथौरागढ़ पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार गंगुलियार थाने में एक किशोरी ने एक तहरीर देकर सौतेले पिता पर जबरन दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। दी गई तहरीर में कहा गया है कि सौतेले पिता द्वारा किशोरी के साथ 12-13 वर्ष होने पर
डरा धमका कर जबरन शारीरिक संबंध बनाने और शारीरिक शोषण किया गया। दी गई तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित संबंधित अन्य विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया। पनार चौकी प्रभारी SI हरीश सिंह के नेतृत्व में ASI पुष्कर सिंह, हेड कांस्टेबल सुंदर सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को लोक निर्माण निरीक्षण भवन गंगोलियाट के निकट से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। पुलिस की अग्रिम कार्रवाई जारी है। उधम सिंह नगर खटीमा क्षेत्र से एक दुखद सड़क हादसे की खबर सामने आई है। हादसे में 3 महिलाओं सहित एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों मृतक अपने रिश्तेदारों से मिलकर लौट रहे थे, जो उनकी अंतिम मुलाकात साबित हुई। मिली जानकारी के अनुसार खटीमा के चक्करपुर क्षेत्र में सनिया नाले के पास एक कार व 2 स्कूटियों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। स्कूटियों में 3 महिलाएँ और एक पुरुष सवार थे। वाहनों की भिड़ंत के चलते चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों को शीघ्र निकट के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने चारों को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि चारों मृतक नेम बहादुर चंद, नर्मला चंद, सरस्वती देवी और कल्पना चंद, जो खटीमा के मुंगेली गांव के रहने वाले थे और नेपाल में अपने रिश्तेदारों से मुलाकात कर लौट रहे थे। जिस कार से भिड़ंत हुई उसका चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने स्थल पर पहुंचकर पंचनामा की कार्रवाई कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। CO खटीमा वीर सिंह ने बताया कि फरार कार चालक की तलाश की जा रही है। हादसे की सूचना परिजनों को मिलने पर कोहराम मच गया और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। चक्करपुर चौकी क्षेत्र में पड़ता है, एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें एक 4-व्हीलर से 2 स्कूटियां टकरा गई हैं और जो स्कूटी में जो सवार थे उनको जब यहाँ हॉस्पिटल लाया गया तो चिकित्सकों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज YouTube चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।